पापा, पापा मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? ताकि उस घर में जाकर फिर से तू इन इंसानों को सता सके। याद रख, शक्तिनाथ बाबा के होते हुए तेरी जैसी एक ही अतीत आत्मा उन इंसानों को नहीं सता सकती। पापा, जिन जालिम लोगों के लिए तुमने मुझे कैद कर रखा है, वो खूनी है, कातिल है। मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। यहाँ पर आने के बाद तेरी जैसी अतिरिक्त आत्माएं इंसानों को सताने के लिए ऐसे ही बहाने बनाती है, ऐसी ही दलीलें देती है। लेकिन तुम पर उनका कोई असर नहीं होता, क्योंकि इंसानों से तुम्हें नाम मिलता है, दौलत मिलती है, और मजबूरत में तुम्हें क्या दे सकती है। लेकिन मैं दे सकती हूँ, जितनी दौलत चाहिए मैं अपने पति से दिला दूंगी। बस एक बार मुझे आजाद कर दो। आजाद कर दूं? मूर्ख आत्मा, दौलत के लिए मैं ये काम नहीं करता। ये तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। ये कैसा धर्म है, कैसा कर्तव्य है? एक बच्चे की हत्या करने का इरादा रखने वालों को अभयदान देता है और उसके माँ पर सिद्ध शक्ति दिखाता है। अरे रोकना है तो उन जालिमों को रोको जिन्होंने विधाता के लिखे मेरे मृत्यु से पहले मुझे मृत्यु दी। मैं पूछती हूँ, अगर उन जालिमों से अपने बच्चे और अपने पति को बचाना चाहती हूँ तो ये गुनाह है? अगर तुम्हारी दिव्य दृष्टि यहाँ बैठ कर मेरे घर में मुझे देख सकती है, क्या वो दिव्य दृष्टि अब ये नहीं देख सकती कि वो जालिम लोग मेरे बच्चे के साथ न जाने क्या क्या जुल्म कर रहे हैं? बाबा, इस मजबूर माँ के लिए तो खुद देवी माँ ने अपने नियम बदल दिए। क्या आप नहीं बदल सकते? जय काल भैरव। बोलो भाई, अगर राम पुलिस लेकर यहाँ आ गया ना, हम सबकी लाइफ बन जाएगी। चुप। उल्लू गोली का गणित इतना कच्चा नहीं कि राम उसे फेल कर सके। अगर वो पैसा लेकर आ गया तो ठीक, नहीं तो पुलिस और राम से हमें ये बच्चा ही बचाएगा। तुमने मेरी ये आंखें बंद करा के आत्मा की आंखें खोल दी हैं। जा, जा, मैं तुझे आजाद करता हूं और उन जालिमों से लड़ने के लिए शक्ति देता हूं। तेरा बच्चा उन जालिमों के हाथों में है, जा तू जल्दी उसे बचा। जय काल भैरव। क्या बात है हराम के पिल्ले, तेरा बाप अभी तक तेरा गणित पास कराने नहीं आया। लेकिन माँ आ गई। Thank you.
तू मेरे बेटे को भूख से मारना चाहता था ना, मैं तुझे खिला खिला के मार डालूंगी। मेरे डॉबी को मारा था ना तूने? क्या हो गया? धीरे धीरे, अब मैं तेरे लिए बनाऊंगा। ये आपको क्या हो गया धीरे धीरे? मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, अब पूछती है क्या हो गया पति को? मुझे मारती है, हटती पति को मारती है। अरे पति कहाँ है? कौन मार रहा मुझे? लंगड़ी, मेरी बच्ची पे ठंडा पानी डाल के उसका गणित पास करने वाला था ना, आज मैं तेरा गणित पास कर दूंगी। ये ले, ये ले, ये ले। लाई बना हो गई, लाई बना हो गई, लाई बना। हनुमान जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आपने तो वाकई मेरी लाइफ बना दी। मेरा बेटा भूख से तड़प रहा था और तुम लोग अब तेज आते धीरे धीरे। आग में नहीं आ सकती। ए आत्मा, आ, आ, आत्मा आग में नहीं आ सकती, मैं जानता हूं। आ जा, हिम्मत है तो आ मेरे सामने, आ जा सामने। अब देखता हूं तुम्हें क्या करती है आत्मा। आ जा, जा। तो मरूंगा ही, साथ में तेरा बच्चे को भी जला दूंगा। देख, मैं सब तरफ आग लगा दूंगा। अब कौन बचाएगा तेरे बच्चे को? Ah!
ममता बाबा। हाँ बेटे, चंद क्षणों के लिए मैं तुझे ऐसी शक्ति देता हूं जिससे तुम अपनी पत्नी को देख सकोगे, उससे बातें भी कर सकोगे। मैं तुम्हें देख सकता हूं। ममता, ममता।